हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल होता है वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एंगल ट्रायंगल, सपोज दिस इज ए, बी सी इज ए राइट एंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सपोज दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज ऑटोमेटिकली बिकम्स 90 डिग्री माइनस थीटा। हम लोग लेते हैं एंगल सी के अबाउट। व्हाट इज एंगल सी? एंगल सी इक्वल टू थीटा। ठीक, देन हम लोग को थीटा को क्या करना है, थीटा को 90 डिग्री बनाना है, हम लोग को 90 डिग्री पे निकालना है। ठीक है, 90 डिग्री डायरेक्ट 1 जानते हैं, कॉस 90 डिग्री 0 जानते हैं, बट उसको हम लोग को ज्योमेट्रिकली फिल करना है कि हम लोग को वो आता है तो कैसे, किस तरह से आता है, ज्योमेट्री के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। थीटा को हम लोग को 90 डिग्री बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। अगर लेंथ ऑफ बी सी को, बी सी के लेंथ को डिक्रीज करते जाए, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, एंगल पॉइंट सी बी के क्लोज आ जाएगा एंड थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज ए बी सी, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, देन सपोज ये पॉइंट सी पॉइंट, सपोज यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ये पॉइंट यहाँ, सपोज इस तरह से यहाँ आया, फिर इस तरह से यहाँ, फिर इस तरह से यहाँ, फिर इस तरह से यहाँ आते आते सपोज पॉइंट बी मेरा क्या हो गया, सी के नियर अबाउट हो गया। ठीक है, देन यहाँ इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं, पॉइंट बी क्या हो गया, जीरो, ए बी ए सी इक्वल हो गया ए बी का, एंड मेरा जो थीटा एंगल सी मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल थीटा को रीच करते जाते हैं, सी पॉइंट को मूव करवाते हैं बी पॉइंट की ओर, तो मेरा क्या हो गया, पॉइंट बी और सी ऐड कर गया, बी सी का लेंथ ऑफ बी सी मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया, एंड लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी हो गया। ठीक है, एंड एंगल सी बिकम्स 90 डिग्री। देन हम लोग को अब क्या बचा, सिर्फ एक ये लाइन बचा। ठीक है, दिस इज ये राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है मेरा ए बी एंड सी, तो मेरा बी पॉइंट सी पॉइंट कोइंसाइड कर गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ए बी इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू पॉइंट सी एंड लेंथ ऑफ बी सी हो गया, एंड मेरा क्या बच गया, एंगल सी अब हो गया मेरा 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, साइन थीटा। इसमें क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कर्ण, दैट मीन्स ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, देन 90 डिग्री, दैट मीन्स मेरा साइन, दैट मीन्स साइन 90 डिग्री इक्वल टू ए बी ए सी, मेरा अब क्या हो गया है, ए बी हो गया है। ठीक है, देन दिस इज ऑल्सो ए बी, ये मेरा क्या हो गया, वन हो गया, देन साइन 90 डिग्री मेरा वन डिग्री। ठीक है, कॉस 90 डिग्री हम लोग लेते हैं, देन कॉस थीटा बाय डिफिनेशन आधार, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, बी सी तो मेरा जीरो हो चुका है, देन जीरो अपॉन ए सी, दैट मीन्स जीरो, टेन 90 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का बाय डिफिनेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए बी अपॉन बेस, दैट मीन्स बी सी, ये मेरा क्या हो गया, ए बी तो मेरा ए बी है, बी सी मेरा जीरो हो चुका है, दैट मीन्स ए बी अपॉन समथिंग अपॉन जीरो, दैट मीन्स इनफाइनाइट। कॉट 90 मेरा क्या हो जाएगा, कॉट 90, टेन 90 इज बी सी अपॉन ए बी, जीरो अपॉन ए बी, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, कॉसेक 90 मेरा क्या हो जाएगा, कॉस 90 का उल्टा, कॉस 90, दैट मीन्स हाइपोटेनस 90 ए सी अपॉन हाइपो, बाय डेफिनेशन ए सी अपॉन
BC. That means AC equal to AB. AC becomes AB and BC becomes 0. That means something what are 0? That means infinite. अब मेरा cosec 90 degree. Cosec 90 degree sin 90 का inverse होता है. That means sin 90 मेरा क्या है? कि cosec 90 by definition hypotenuse. That means AC. AC upon AB. That means AC मेरा क्या हो गया है? AB के equal हो गया है and AB. That means this is 1. ठीक है? तो ये थे मेरे सारे 90 डिग्री पे. ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.